हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी ब्रश मैं हूं संगीता अवस्थी होप यू ऑल आर डूइंग वेल फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुंदर चीजें हर किसी को अट्रैक्ट करती हैं सुंदर चीजों को देखकर मन खुश होता है और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और वही सुंदर चीजें अगर हम कबाड़ और कंकर पत्थर से तैयार कर ले तब तो कहना ही क्या है जी हाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना क्यूँकी हम यहाँ बात कर रहे हैं गार्डन डेकोरेशन आइडियाज की गार्डन डेकोरेशन के इन आइडियाज के साथ हम कंकड़ पत्थर कबाड़ और यूजलेस चीजों से बहुत ही सुंदर चीजों को बनाना सीखेंगे ऐसी चीजें जो हमारे गार्डन में चार चांद लगा देंगी तो फ्रेंड्स अगर आप भी हैं मेरी तरह क्रिएटिव और ज्यादा पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करते हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ क्योंकि यहाँ पे आपको हर हफ्ते देखने और सुनने को मिलते हैं कबाड़ से जुगाड़ री और री स्टाइल के नए नए आइडियाज तो फ्रेंड्स ज्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं बता दूं कि सबसे पहले हम बनाएंगे मकाओ बर्ड जो कि पैरेट की फैमिली से ही बिलोंग करती है बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होती है ये इसको बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल और क्ले का यूज कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर सबसे पहले हम क्ले को रैप करेंगे तो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए थोड़ी थोड़ी सी क्ले उसमें ऐड करते हुए हम इस तरह से बर्ड को शेप देंगे क्ले बहुत ज्यादा ना लगे और बर्ड हमारी लाइट वेटेड रहे इसके लिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया है और नीचे से हम इसमें एक स्टिक लगा देंगे स्टिक या थिक वायर को लगाने के दो बेनिफिट्स हैं पहला कि हमें बर्ड को क्रिएट करने में बनाने में आसानी रहेगी और दूसरा हम इसे गार्डन में पिन बर्ड की तरह यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दो बर्ड्स को बना रही हूँ बर्ड्स हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है अब हम यहाँ पे विंग्स लगाएंगे अभी हम यहाँ पे विंग्स को अटैच करेंगे एक चीज याद रहे कि की बर्ड्स के जो विंग्स होंगे वो नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड होने चाहिए एक बात और की बर्ड को क्रिएट करने से पहले आप बर्ड का एक पिक्चर सामने जरूर रख लें और उसी को फॉलो करते हुए इस तरह की बर्ड्स को क्रिएट करें तो फ्रेंड्स हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से विंग्स को इसमें अटैच कर देंगे टेल को लॉन्ग करने के लिए हम नीचे की तरफ क्ले को और पेस्ट करेंगे किसी वायर स्टिक या टूल की हेल्प से हम यहाँ पे विंग्स पे कुछ डिटेलिंग करेंगे आप देख सकते हैं दोनों ही बर्ड में मैंने कर दी है फिर से ड्राई होने के बाद हम इसमें बीक को अटैच करेंगे और पैरेट की बीक भी कुछ बेंड करी हुई होती है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम बीक को भी अटैच कर देंगे इसके बाद हम बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे आइस को क्रिएट करेंगे बॉल की हेल्प से तो फ्रेंड्स दूसरी वाली बर्ड में भी हम टेल को अगेन अटैच करेंगे इससे टेल लॉन्ग हो जाएगी और इससे हमारी मकाओ बर्ड और भी ब्यूटीफुल लगेगी तो इस तरह से हमें डिटेलिंग करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है याद रहे जल्दबाजी नहीं करनी है और हर स्टेप के बाद क्ले को ड्राई होने के लिए टाइम देना है तो दोनों बर्ड्स को ड्राई होने के लिए अच्छे से रख देंगे और इसके बाद हम अखरोट के दो छिलके लेंगे इन अखरोट के छिलकों को शेप देने के लिए यहाँ पे मैं प्लायर्स का यूज कर रही हूँ अब ये दोनों शेप में आ गए हैं यहाँ पे मैं अखरोट के छिलकों से मशरूम बना रही हूँ और इसके लिए स्टिक इस में मैंने पहले क्ले को कुछ ऐसे रैप किया है जैसे लॉलीपॉप होता है उसके बाद में हम इस क्ले वाले लॉलीपॉप को इस अखरोट के छिलके में अच्छे से फिक्स कर देंगे छिलकों की एजेस पे मैंने क्ले की पतली पतली स्ट्रिप बना के स्टिक कर दी है जिसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई है प्लीज डोंट माइंड पतली पतली स्ट को बनाकर और आप एजेस पे इस पे स्टिक कर सकते हैं तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा इसके बाद हम इसको पेंट करेंगे पेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने अक्रेलिक कलर का यूज किया है व्हाइट कलर के तो मशरूम के साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बर्ड को भी पेंट कर लिया है फ्रेंड्स एक बात और मैं साथ ही साथ कई चीजें बना रही हूँ तो जिसके लिए मैं स्टेप्स में काम कर रही हूँ एक आर्टिकल को जब ड्राई होने के लिए रखती हूँ तब तक मैं दूसरे आर्टिकल पे काम करने लगती हूँ तो कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं जैसे बर्ड का कलर ड्राई होने के लिए रखा था तो मशरूम बन रहा था और अब मशरूम बन चुका है और बर्ड पे हम दोबारा कलर करेंगे यहाँ पे मैं येलो ऑयल पेंट का यूज कर रही हूँ तो पेंटेड बर्ड्स का जब तक पेंट हो रहा है ड्राई तब तक हम इन स्टोन की तरफ मूव करते हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो आपको ये स्टोन्स आसानी से मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स मैंने इनको येलो और पिंक दो शेड में पेंट किया है तो इस तरह से ये पेंट हो जाएंगे और मैंने इनको भी ड्राई होने के लिए रख दिया है तो सारे ही स्टोन्स ड्राई हो चुके हैं और उनमें से मैंने कुछ स्टोन्स यहाँ पे ले लिए हैं तो यहाँ पे मैं सिक्स स्टोन्स का यूज कर रही हूँ और इन स्टोन को मैं यहाँ पे बम्बल बीज को बनाने के लिए यूज कर रही हूँ तो इसके लिए केवल हमें परमानेंट मार्कर की जरूरत होगी और कुछ भी नहीं आप मुझे फॉलो करते हुए इसे क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स एक बात और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है संगीता अवस्थी फाइव तो देखिए इस तरह से आईज और विंग्स को भी क्रिएट कर लेना है तो जब तक कलर ड्राई हो रहा है तब तक हम अगेन दूसरे स्टोन पे वर्क करेंगे ये स्टोन थोड़ा सा बड़ा है तो हम यहाँ पे कोट लिखेंगे और ये कोट लिखने के लिए यहाँ पे मैंने पतले परमानेंट मार्कर का यूज किया है उसके बाद रेड परमानेंट मार्कर से मैंने यहाँ पे बना दिए हैं दो हार्ट आप चाहें तो इन हार्ट्स और फ्लावर्स को पेंट से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह के छोटे छोटे से आर्टिकल्स आपके गार्डन की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एनहैंस कर देते हैं तो फ्रेंड्स व्हाइट कलर के ड्राई होने के बाद हम विंग्स पे थोड़ी सी और डिटेलिंग करेंगे जिसके लिए मैंने अगेन यहाँ पतले परमानेंट मार्कर का यूज किया है और विंग्स पे डिटेलिंग करते हुए हम इसकी आईज़ को भी कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंड्स पेंट करने के साथ साथ हम बम्बल बी की पूरी ही फैमिली को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स गार्डन डेकोरेशन आइडियाज की एक सीरीज चल रही है जो कि कबाड़ से जुगाड़ पर बेस्ड है अगर उन वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट जरूर कर लें तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे स्टोन को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी बेटी का एक गेम लिया है जिसका एक पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एम सील इसमें रेजिन और हार्डनर मिक्स करके हम यहाँ पे बनाएंगे एक कार और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्टोन कार तो स्टोन कार को कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्टोन ले लिया है जो कि कार के शेप का है और तो दोनों साइड हम यहाँ पे व्हील्स को लगाएंगे व्हील्स को लगाने के बाद परमानेंट मार्कर की हेल्प से यहाँ पे हम कार में कुछ डिटेलिंग करेंगे फ्रेंड्स मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारी टाइप्स की बर्ड्स को बनाना बताया है जो कि कबाड़ से जुगाड़ पर बेस्ड हैं आप उनको बनाकर अपने गार्डन की ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं बहुत ही रियलिस्टिक लुक देती हैं वो और उस तरह की बर्ड्स अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं आपको तो आप उनको कबाड़ का यूज़ करके बना सकते हैं घर पर ही और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विज़िट कर लें तो फ्रेंड्स देखिए अगेन ये स्टोन भी आ, कार के शेप का था तो मैंने इसको भी कार में कन्वर्ट कर दिया है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है ये अब हम अपनी बर्ड पे अगेन बैक होंगे तो फ्रेंड्स इमिटेशन के लिए आपने जो भी पिक्चर रखा है उसको देखते हुए आप इसमें कलर को ऐड कर सकते हैं क्योंकि मकाओ बर्ड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है तो इसके कलर को करते वक्त डिटेलिंग का विशेष ध्यान रखें तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेक के पास और हेड के पास और यहाँ पे टेल के पास रेड कलर का यूज किया है देखिए तो रॉयल ब्लू ड्राई होने की वजह से मैंने यहाँ पे दूसरे ब्लू का यूज किया है आप मुझे फॉलो करते हुए या अपनी बर्ड जो भी आपने सामने पिक्चर रखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए इस तरह से पेंट कर सकते हैं ब्रश को जनरल तरीके से यूज नहीं करना है स्ट्रोक्स के साथ विंग्स को पेंट करना है तभी ये ब्यूटीफुल लुक देगी बर्ड तो इस तरह से हम करेंगे इसके बाद आइज के पास यहाँ पे हम व्हाइट कलर का यूज करेंगे और अब देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आना शुरू हो गया है अभी से ये बर्ड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बीक के पास नीचे की तरफ हमें ब्लैक कलर का यूज़ करना है और हमारी मकाउ बर्ड और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है फ्रेंड्स यहाँ पे हमें आइज़ भी बना देनी है पर पेंट ड्राई हो जाएगा तब हम आइज़ बनाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टोन्स को अगेन ब्यूटिफाई कर रही हूँ इसके लिए मैं छोटे छोटे से फ्लावर्स को स्टोन्स के ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ यानी कि ड्रॉ कर रही हूँ तो परमानेंट मार्कर की हेल्प से मैंने ऐसा किया है आप चाहें तो पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह के स्टोन्स का यूज़ हम मिनिएचर गार्डन के लिए कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ये आप कलर्स को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं अब हम बचे हुए स्टोन्स की लेडी बर्ग्स बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटोफुल लगती हैं इनके बिना तो गार्डन इनकम्प्लीट है तो इस तरह से मुझे फॉलो करते हुए आप इनको पेंट कर सकते हैं तो बम्बल बीज की फैमिली के साथ साथ यहाँ पे आपको लेडी बर्गस की भी फैमिली देखने को मिल जाएगी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं ये तो बस फ्रेंड्स ये रेडी हैं और इनका यूज़ हम मिनिएचर गार्डन में करेंगे तो देखिए कलर्स ड्राई हो चुके हैं इसके बाद हम शेडिंग करेंगे वाइट कलर से तो येलो और ब्लू के मिड में हम वाइट कलर से शेडिंग करेंगे तो फ्रेंड्स शेडिंग के बाद हम इनकी आइज को परमानेंट मार्कर की हेल्प से बना देंगे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं ये बर्ड तो ये एक पुरानी वेजिटेबल बास्केट है प्लास्टिक की जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है और ये है ब्रोकेन कप जो कि इतने बेतुके तरीके से ब्रेक हुआ है कि इसको यूज़ करना मुश्किल है बट मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही स्टाइलिश तरीके से तो देखिए जो मनी प्लांट की क्रीपर थी उसको हम इस कप के अंदर से पास करा देंगे और ऐसा इसका कुछ लुक आएगा उसके बाद हम मिट्टी की हेल्प से कप को अच्छे से फिक्स कर लेंगे इस वेजिटेबल बास्केट में मैंने यहाँ पे मनी प्लांट का यूज़ किया है आपके पास जो भी प्लांट हो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है अभी से ये बट हम इसको कुछ और भी स्टाइलिश बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो मनी प्लांट की क्रीपर थी इसको पिनअप कर दिया है यानी मिट्टी में इसको अच्छे से पिन करके अंदर कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा बुशी दिखे और ब्यूटिफुल लगे तो हमारी बास्केट डेकोरेट होने के लिए रेडी है इसके बाद हम दो बोल्स लेंगे जो कि मिट्टी के बने हुए हैं इनको पहले मैंने टेराकोटा कलर में पेंट किया था बट अब इनको व्हाइट कलर में पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे वॉन्ड्रिंग जीव को लगा दिया है मिट्टी में और ये दोनों पॉट भी रेडी हैं इसके बाद मैंने अगेन मिट्टी का एक पॉट लिया है जिसमें कि मैंने बोलीवियन जीव को लगा दिया है और ये पॉट भी रेडी है डेकोरेट होने के लिए तो फ्रेंड्स सेटिंग के बाद आप देखेंगे हमारे मिनिएचर गार्डन के फाइनल लुक कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये फ्रेंड्स वन मोर थिंग आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है कि मैंने इन मिनिएचर गार्डन की सेटिंग को कैसे किया है फ्रेंड्स ट्रूली स्पीकिंग इन मिनिएचर गार्डन्स को बनाने के बाद मुझे इतनी खुशी और सेटिस्फेक्शन फ़ील हुआ कि मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको ये कैसे लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन फ्रेंड्स तो अब मैं बताऊंगी कि इनको मैंने कैसे सेट किया है तो देखिए यहाँ पे एक ग्रास मैट का लेआउट मैंने बना दिया है और उसके ऊपर तीन स्टूल्स को प्लेस किया है इन तीनों ही स्टूल्स को मैंने खुद बनाया है उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने वाइट पेंट से एक स्टोन को पेंट करके और उस पर एक कोट लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ पे सेट किया है पीछे की तरफ मैंने एक छोटू सा प्लांटर रखा है जिसमें मैंने फेक प्लांट लगाया हुआ है और उसके बाद आप देखिए इसको मैंने यहाँ पे मिट्टी में प्लेस कर दिया है ये छोटू सा प्लांटर कॉपर का एक ओल्ड लोटा है फ्रेंड्स जिसको मैंने ब्लैक कलर में पेंट कर दिया है देखिए साथ ही मैंने ये स्टोन यहाँ पे प्लेस कर दिया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है नेक्स्ट हम आते हैं इस मिनिएचर गार्डन की तरफ जिसमें मैंने बम्बल बीर की फैमिली को प्लेस किया हुआ है मैं क्ले से काफी काम करती हूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्ले बच जाता है तो उसी से मैंने ये मशरूम्स को बनाया हुआ है उसके बाद आप ये जो लैंप देख रहे हैं इनको मैंने वायर का यूज करके बनाया है और कहीं भी हम इन्हें पिन कर सकते हैं इस लैंप पोस्ट का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा नेक्स्ट हम आते हैं इस मिनिएचर गार्डन की तरफ जिसमें मैंने लेडी बर्ग की फैमिली को प्लेस किया हुआ है इसमें गार्डन को कुछ हाइट देने के लिए मैंने एक फेक पाम ट्री का यूज किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये भी इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अपने लास्ट मिनिएचर गार्डन को और इसको मैंने देखिए कैसे बनाया है ये ग्लू के डब्बे के अंदर इसमें टूटा हुआ पेंटिंग ब्रश है जिसको फिक्स करने के लिए मैंने अंदर और बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी एयर ड्राई क्ले लगा दी है और ऊपर से मैंने इन फेक प्लांट्स को इसमें प्लेस कर दिया है इसके बाद देखिए मैंने टेक्स्ट को कैसे लिखा है इसको लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है अगर आप देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे मिट्टी का एक गमला टूट गया था तो एक टूटे हुए पीस पे मैंने इसको लिखा है पीछे की तरफ मैंने इसीलिए इसको पेंट नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ जब भी मैं किसी बड़े ब्रश से काम करती हूँ और उसमें पेंट लगा रह जाता है तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को मैं पेंट कर लेती हूँ यह हैक आपके भी बहुत काम आ सकता है फ्रेंड्स पीछे जो ये मशरूम आप देख रहे हैं जब भी मेरे पास क्ले बच जाती है तो मैं इस तरह का एक या दो मशरूम जितने बनते हैं उनको बना लेती हूँ और इनको मैंने वेस्ट पेन जो होते हैं यूज़ एंड थ्रो वाले उनको कट करके बनाया है पीछे वाले बम्बल बीज जो आप देख रहे हैं इनका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स ये बोलिवियन ज्यू बहुत ही प्यारा प्लांट है चीप एंड बेस्ट है और बहुत ही बेशरम प्लांट है छोटी से छोटी कटिंग आप इसको कहीं भी लगा दीजिए इजीली चलती है और ये और मिनिएचर गार्डन को क्रिएट करने के लिए बेस्ट है इसके बाद देखिए मैंने इसको रखा कहा है तो इसको प्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पे थर्मा का ये बॉक्स यूज किया है जब भी हम सेरेमिक के टी कप्स या फिर ग्लासेस को परचेज करते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस हमें रिसीव होते हैं आप इनका यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में कहीं भी फ्रेंड्स सेटिंग से रिलेटेड और मेकिंग से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं एक्सप्लेन कर दी हैं बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई चीज रह गई हो कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मकाओ बर्ड्स लेडी बग्स और ये बम्बल बीज आपको कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इस वीडियो का कौन सा आर्टिकल आपको सबसे ज्यादा ब्यूटिफुल लगा और कौन सा आर्टिकल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आप अपने व्यूज को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप मुझे कॉमेंट कि बता सकते हैं आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और अगर आपको ये पूरी ही वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स बाय